क्या थायराइड की वजह से आपके ब्रेस्ट यानी कि स्तन में परिवर्तन आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, चलिए जानते हैं आज हम उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। अक्सर थायराइड का प्रॉब्लम लेडीज़ का प्रॉब्लम माना जाता है, और इसी वजह से मैं काफ़ी लेडीज़ पेशेंट्स को देखती हूँ, और इनफैक्ट मेरे इस चैनल पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी लेडीज़ ही हैं। और बहुत सी बार क्लिनिक में और कमेंट्स में बहुत सारी लेडीज़ लिखती है कि डॉक्टर क्या इसके वजह से ब्रेस्ट में स्तन में कोई चेंजेस आ सकते हैं, तो सोचा यही टॉपिक पे हम डिटेल में बात करते हैं, और आज का हमारा ये वीडियो वही टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, थायराइड हार्मोन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं की मेटाबॉलिज्म में उसका महत्वपूर्ण रोल है, और इसीलिए कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन की असर आपके ब्रेस्ट यानी कि स्तन के ऊपर भी आ सकती हैं। जब हम स्तन की बात करते हैं तो एक बहुत ही पर्सनल और टची टॉपिक हो जाता है, और हर एक अलग अलग उम्र की औरतें, चाहे फिर वो एडोलेसेंट लड़की हो या तो फिर मिडिल एज औरत हो या तो ओल्ड एज की वुमेन हो, हर एक अलग अलग लाइफ के जोन में ब्रेस्ट में चेंजेस आते रहते हैं, और ये स्वाभाविक बात है, और ये विद एज विद हार्मोन चेंज आते रहते हैं, और ये आपके नहीं तकरीबन हर एक महिलाओं के शरीर में आते। प्रॉब्लम की बात यह है कि जब भी स्तन में थोड़ा भी चेंजेस आ जाए तो महिलाएं काफ़ी घबरा जाती है, उनको लगता है अरे बाप रे ये तो डायरेक्ट हो गया ब्रेस्ट का कैंसर। ठीक है, तो ऐसे घबराहट से आपको बचना चाहिए। और क्या सही मायने में थायराइड हार्मोन आपके ब्रेस्ट के विकास में और ब्रेस्ट के ओवरऑल मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस लाते हैं या नहीं लाते हैं? तो अलग अलग जोन पे अलग अलग टाइप के चेंजेस आते हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली आ जाता है, वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी कि आपकी स्तन बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है और उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा हो सकता है आप कहीं टकरा गए तो दर्द होने लग गया, कभी कभार टाइट कपड़े पहन लिए तो भी ब्रेस्ट में दर्द होता है, और कभी कभार कुछ भी नहीं करे तो भी ब्रेस्ट में दर्द होता रहता है। ये काफ़ी कॉमन समस्या आती है, खास करके जो लेडीज़ के मासिक धर्म चलते रहते हैं तब से, यानी 15 से लेकर 45 साल की उम्र, ये एज ग्रुप की महिलाओं को ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमनली होता है। और अक्सर ये जो ब्रेस्ट का जो पेन है जिसको हम ब्रेस्ट टेंडरनेस कहते हैं, मंथ टू मंथ यानी हर एक महीने में आता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है तभी ही ये पेन आता है, तो इसको हम साइक्लिकल पेन कहते हैं, यानी हर एक साइकिल में आता रहता है। ज़्यादा करके ये पेन जो होता है बहुत सी औरतों को मासिक धर्म के बीच में यानी जब भी ओव्यूलेशन होता है तभी आता है, कभी कभार कुछ औरतों को मासिक धर्म आने के कुछ दिन पहले शुरू हो जाता है। हर एक की बॉडी अलग होती है, कभी कभार किसी किसी को अलग वेरिएशन में पेन हो सकता है। इस प्रकार का जो साइक्लिकल पेन जो होता है, ज़्यादा करके जैसे ही मासिक धर्म आ जाते हैं, महीने आ जाते हैं, ये पेन भी निकल जाता है। ज़्यादा करके इसमें घबराने की बात नहीं है, लोग काफ़ी ज़्यादा लोग डर जाते हैं, मेमोग्राफी करा लेते हैं, सोनोग्राफी करा लेते हैं, यूजुअली ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स अगर आपके डॉक्टर ने बताया है तो आपको कराना चाहिए, लेकिन यूजुअली इतना ज़रूरी नहीं होता है। और ज़्यादा करके ये विटामिन ई की दवाइयाँ है, प्राइमरोज ऑयल है, उसकी दवाइयों से काफ़ी हद तक ठीक हो भी जाता है। बहुत सी बार क्या होता है, अगर आपका थायराइड ठीक से सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है तो वैसे केसेस में मासिक धर्म भी अनियमित हो जाते हैं, तो ऐसे अनियमित वाले मासिक धर्म के वजह से भी बहुत सी औरतों को ब्रेस्ट में दर्द होता है। बाय द वे, थायराइड में कैसे मासिक धर्म बिगड़ते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे थायराइड और पीरियड्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये सबसे पहली कॉमन वजह आती है ब्रेस्ट में। दूसरा प्रॉब्लम ज़्यादा करके पाया जाता है वो है निप्पल में से डिस्चार्ज। जी हाँ, देखिए साधारण केस में निप्पल में से डिस्चार्ज तभी ही होता है जब महिला बच्चे को जन्म देती है, तब उसका लैक्टेशन शुरू होता है, तो वैसे केसेस में निप्पल्स में से माँ का दूध बहता है, ये सादी सी बात है, ऑलमोस्ट सभी को पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बहुत सी बार जब भी महिला लैक्टेशन नहीं करा रही है
वैसे केसेस में भी निप्पल्स में से डिस्चार्ज आता है, और ये निप्पल में से डिस्चार्ज ये स्टेज पे आना डेफिनेटली एबनॉर्मल है और इसके पीछे आपको जांच पड़ताल करानी चाहिए। तो खास करके ये थायराइड में तब होता है जब आपका थायराइड अनियंत्रित हो। बहुत सी बार क्या होता है, महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनको थायराइड की बीमारी है। शुरुआत के स्टेज में जब उनको थायराइड है ऐसा जब पता चलता है, उसके पहले बहुत सी औरतों को ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज आता है, और इनफैक्ट यही एक लक्षण हो जाता है जिसके वजह से वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उनकी जांच पड़ताल कराते हैं, फिर उनको पता चलता है कि उनको थायराइड की बीमारी है। तो खास करके जब थायराइड नया नया आया है, अनियंत्रित है, तब ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब थायराइड आपका बिगड़ा हुआ होता है तो और एक महत्वपूर्ण हार्मोन जो हमारे शरीर में है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे दिमाग में स्थायित पिट्यूटरी की ग्रंथि में से आता है। तो जब प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है या तो डिस्टर्ब हो जाती है, वैसे केसेस में फिर ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज आना काफ़ी कॉमन हो जाता है। अच्छी बात यह है कि प्रोलैक्टिन की बीमारी थायराइड की बीमारी से क्योंकि जुड़ी हुई है, जैसे ही हम आपका थायराइड ठीक करते प्रोलैक्टिन की बीमारी का प्रॉब्लम भी बहुत सी बार ठीक हो जाता है। ऑफकोर्स प्रोलैक्टिन के प्रॉब्लम और भी बहुत सी बीमारियों के वजह से होते भी हैं। बाय द वे प्रोलैक्टिन हार्मोन की पूरी हमने एक सीरीज बनाई है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन की गड़बड़े काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो प्रोलैक्टिन के रिलेटेड वीडियोस तकरीबन 10-12 वीडियो मैंने खास बनाए हैं, तो अगर आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन की गड़बड़ है तो आप उस सीरीज़ के वीडियोज़ को देखेगा, आपको काफ़ी समझ में आएगा। तो इस कंडीशन को ज़्यादा करके हम कहते हैं गैलेक्टोरिया। तो ये जो गैलेक्टोरिया जो होता है, जहाँ पे मिल्क जैसा दूध जैसा डिस्चार्ज होता है, या तो फिर ट्रांसपेरेंट या तो हल्का पीले रंग का जो डिस्चार्ज होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है अनियंत्रित थायराइड हो तब। तो ये दूसरी सबसे कॉमन समस्या अक्सर थायराइड के मरीजों को आती है। तीसरा प्रॉब्लम अक्सर खास करके माताएँ पूछती रहती है जब उनकी बेटियों को थायराइड प्रॉब्लम है तो, कि डॉक्टर साहब क्या थायराइड की वजह से स्तन के विकास में प्रॉब्लम आता है? क्या थायराइड की दवा लेने के बाद में स्तन के डेवलपमेंट हो जाएगी? ब्रेस्ट की साइज़ बड़ी होगी या नहीं होगी? ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उसका जवाब यही दूंगी कि देखिए, थायराइड हार्मोन पर से ब्रेस्ट की साइज़ को कितना छोटा है कितना बड़ा है उसको कंट्रोल में नहीं रखता। देखिए, ब्रेस्ट जो होती है ये दो टिश्यू से बनी हुई होती है, इसको हम मेडिकल भाषा में मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट में दो टिश्यू होती है, सबसे पहली होती है चर्बी यानी कि फैट, और दूसरी होती है मेमोरी ग्लैंड जो दूध बनाने की उसमें ग्रंथियां होती है। ये दोनों चीज़ मिलके ही स्तन बनता है। स्तन का डेवलपमेंट ज़्यादा करके ईस्ट्रोजन वाले हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है। थायराइड हार्मोन का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है स्तन के विकास के लिए, और इसीलिए थायराइड की बीमारी आने से या थायराइड का प्रॉब्लम आने से आपके स्तन छोटे या बड़े हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। दूसरा, अगर महिलाएं और लड़कियां खास करके अगर पतली रहेगी, ठीक है, तो ऑफकोर्स उनके शरीर में फैट नहीं है, और ओवरऑल अगर शरीर में फैट नहीं है तो स्तन जहाँ पर ज़्यादा करके फैट होता है वो भी नहीं हो सकता। तो ज़्यादा करके पतली लड़कियों में स्तन बड़े नहीं होते हैं और उनको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थायराइड की गोली लेने के बाद में आपके स्तन छोटे हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है हर एक महिला, खास करके जब उनकी बेटियों को, खास करके जब एडोलेसेंट लड़की आती है तब ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ब्रेस्ट के रिलेटेड थायराइड की है। चौथी, अगेन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि थायराइड के प्रॉब्लम आने की वजह से स्तन के कैंसर्स हो जाते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो में बात करेंगे कैसे थायराइड और ब्रेस्ट कैंसर जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको इतना ही कह सकती हूँ कि जी हाँ, बहुत सी बार अगर किसी को थायराइड का कैंसर है, उन महिलाओं को आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और उसी प्रकार अगर किसी महिला को ब्रेस्ट का कैंसर है तो उनको भी थायराइड कैंसर आने के रिस्क बढ़ जाते हैं,
क्योंकि जो थायराइड हार्मोन होता है ना, ये जो ब्रेस्ट के अंदर एक खास प्रकार के हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। थायराइड का हार्मोन ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रदान करता है और इसी वजह से ये दोनों कैंसर काफ़ी एक दूसरे से नज़दीकाई से जुड़े हुए हैं। और इनफैक्ट ऐसा भी पाया गया है कि खास करके अगर आपको हाइपर थायराइड है, जहाँ पर आपका थायराइड बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है, तेज़ी से कार्य कर रहा है, ऐसी महिलाओं को हाइपर थायराइड की कंडीशन के वजह से या तो फिर दवाइयों के सही खुराक नहीं लेने के वजह से भी स्तन के कैंसर पाए गए हैं। ये टॉपिक के ऊपर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ ये टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में थायराइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये चौथा पॉइंट आ गया। पांचवा पॉइंट, डेडिकेटेडली मैं बात करती हूँ हाइपर थायरॉयडिज्म के ऊपर, यानी यहाँ पे थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा कार्य कर रही है। अक्सर जिनको ऑटो इम्यून की बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़, खास करके ये प्रॉब्लम पाया जाता है पुरुषों के अंदर। ऐसा पाया गया कि तकरीबन 40% पुरुष जिनको ये हाइपर थायरॉयडिज्म की समस्या आई है उनको शुरुआत के स्टेज में ही स्तन के डेवलपमेंट हुए हैं। जी हाँ, मर्दों में तो स्तन होते नहीं हैं, उनके सिर्फ निप्पल्स होते हैं, लेकिन बहुत सी बार पुरुषों के अंदर स्तन का विकास होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। तकरीबन 40% पुरुष जिनको पता चलता है शुरुआती के स्टेज में कि उनको हाइपर थायराइड है, बहुत सी बार गायनेकोमास्टिया पाया जाता है। और बहुत सी बार गायनेकोमास्टिया एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है। ऐसा होता है कि मरीज जाते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास कहने के लिए कि क्यों ये विकास हो रहा है, और जब डॉक्टर्स हॉर्मोन्स की जांच कराते हैं तो पाते हैं कि उनको हाइपर थायरॉयडिज्म आया है। तो ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब आपका थायरॉयड इम्बैलेंस में होता है, खास करके हम पुरुषों की बात कर रहे हैं, तो उनके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दोनों हार्मोन की गड़बड़े आनी शुरू हो जाती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का बिहेवियर और उनका लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, उसके मुताबिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़ा वीक हो जाता है, उसके क्वांटिटी ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में भी कमी पाई जाती है। और इसके वजह से ये जो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उसके वजह से बहुत सी बार पुरुषों के अंदर गायनेकोमास्टिया की शिकायत आती है। अच्छी बात यह है कि जैसे ही थायराइड का प्रॉब्लम आपका ठीक होता है, गायनेकोमास्टिया काफ़ी हद तक ठीक हो भी जाता है, और ऐसे बहुत से केसेस में हमने देखा है। यानी ये पांच महत्वपूर्ण ब्रेस्ट के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो थायराइड के रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, ऐसा लग रहा है कि जब से आपको थायराइड हुआ है आपके ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम आने शुरू हुए हैं जो इस पांच कंडीशन से अलग है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका जवाब करूंगी कि क्या ये कंडीशन कॉमन है या नहीं कॉमन है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब करने से आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, हमें भी ज़्यादा प्रेरणा रहती रहेगी कि आपके लिए और ढेर सारे ऐसे अच्छे यूजफुल वीडियोज़ लिख के आए। और अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे, तब तक नमस्ते।